अगर दोस्तों आपके पास में CSC ID है तो आप जो है CSC के थ्रू पैन कार्ड, बिजली बिल रिचार्ज यानी बहुत सारे काम करते होंगे जिसमें कि आप बैलेंस कटाते होंगे, तो वहाँ पे आपको जो वॉलेट पिन आपको डालने की ज़रूरत पड़ती है, यानी पासवर्ड के अलावा, पासवर्ड के बाद आपको वॉलेट पिन डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपका जो है CSC का जो भी वॉलेट पिन होता है आपको पता नहीं है, आप वॉलेट पिन भूल गए या तो वॉलेट पिन आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वॉलेट पिन कैसे चेंज करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जो है CSC का यानी जो पहले का भी जो वॉलेट पिन है वो आप हटा करके न्यू वॉलेट पिन डालना चाहते, वॉलेट पिन चेंज करना चाहते हैं, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जो है CSC वॉलेट पिन कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में आपको यहाँ पे लाइव डिटेल में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे कि दोस्तों आप इस वीडियो को देख करके आप जान सकते हैं कि CSC का वॉलेट पिन कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों आपको भी जानना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस कर लेना है, ताकि आपको आगे भी इस प्रकार के डेली आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है CSC, ठीक है, आपको यहाँ पे इतना सर्च कर लेना है CSC लॉगिन, ठीक है। जब आप यहाँ पे CSC लॉगिन के ऊपर सर्च करते हैं यानी लिख के सर्च करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर में आपको देखने के लिए मिलता है डिजिटल सेवा कनेक्ट CSC, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि आप जैसे ही आप CSC ID लॉगिन करते हो जिस तरह से, आपको उसी तरह से CSC ID लॉगिन कर लेना, जैसे कि यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक से CSC ID लॉगिन हो चुका है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है वॉलेट पिन आपको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फोटो का सिंबल बता रहा है, ठीक है, यानी अकाउंट के ऊपर आना है, और यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है। जब आप यहाँ पे माई प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अकाउंट में यहाँ पे आ जाते हैं आप, ठीक है। ऊपर में आपको माई प्रोफाइल, यहाँ पे चेंज पासवर्ड, यहाँ पे चेंज वॉलेट भी। दोस्तों आप यहाँ से जो है अपना पासवर्ड भी CSC का चेंज कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड पहले आपको मालूम रहना चाहिए तभी आप चेंज कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, करंट पासवर्ड जो भी होगा CSC का यहाँ पे डालेंगे, न्यू पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, कंफर्म करेंगे पासवर्ड को, और यहाँ पे अपडेट करेंगे तो पासवर्ड आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे CSC का जो भी पहले पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको मालूम रहना चाहिए। अगर पासवर्ड मालूम नहीं है तो फॉरगेट करने के बाद दूसरा तरीका भी बताऊंगा, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अगला वीडियो में आपको यहाँ पे 2-3 दिन में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा कि अब जो है फॉरगेट करके पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसका पासवर्ड फॉरगेट करके न्यू पासवर्ड कैसे बनाते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो है वॉलेट पिन चेंज करना है, वो वॉलेट पिन जो है मुझे मालूम है, तो यहाँ पे मैं चेंज वॉलेट पिन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू नो योर करंट वॉलेट पिन, आपके पास करंट वॉलेट पिन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास करंट वॉलेट पिन नहीं है तो आप यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, 3 ऑप्शन आएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे है लिखा हुआ हाउ डू यू वांट टू रिसीव OTP, यानी आप OTP किस पे मंगवाना चाहते हैं, फर्स्ट में मोबाइल नंबर, दूसरा यहाँ पे OTP और CSC ऐप, यानी आप CSC का जो भी ऐप होता है उस पर भी OTP मंगवा सकते हैं, और यहाँ पे सिक्योर कोड और CSC ऐप, यानी सिक्योर कोड CSC ऐप के थ्रू भी आप अपना OTP मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी यहाँ पे जो भी इसका वॉलेट पिन है मुझे मालूम है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। अगर आपके पास वॉलेट पिन मालूम नहीं है तो आप पिन नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे इंस्टा पे आप वहाँ सवाल कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको पूरा सोल्यूशन दे दूँगा, नहीं होगा तो उससे मैं वीडियो भी बना के डाल दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है CSC का वॉलेट पिन जो भी है मुझे मालूम है, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आपको यहाँ पे करंट वॉलेट पिन जो भी होगा यहाँ पे डालेंगे, और न्यू वॉलेट पिन जो भी सेट करना चाहते हैं वो आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है। सेम उसी प्रकार से पिन को कंफर्म करेंगे, जो भी पिन आप यहाँ पे कंफर्म डालना चाहते हैं यानी जो भी ऊपर में डाले हैं वो पिन को यहाँ पे सेम उसी प्रकार से कंफर्म करके नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस लेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे पिन चेंजेस सक्सेसफुली, यानी आपका जो भी वॉलेट का पिन है वो चेंज हो चुका है फाइनली इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है वॉलेट पिन चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है वॉलेट पिन मालूम नहीं है तब पर भी आप चेंज करना चाहते हो वो उसी प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। आपको आगे समझ में नहीं आता तो मुझे आप इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से CSC का वॉलेट पिन आप चेंज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, साथ ही साथ आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन आप नीचे मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हैं। इंस्टा का आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा,
आप यहीं से मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप जब भी इंस्टा पे कुछ पूछते हो यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे तुरंत ही जवाब दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना है, और दोस्तों हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप जब एक सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।